Good morning, dear students. Welcome again to the explanation video of chapter number 8 of history, popular belief and religious debates. Children, while you're trying to understand this chapter, keep the book beside you, and when I try to explain the part, you just need to put your finger there what I'm trying to explain you. So, popular belief and religious debates. So let me tell you about what happened at that time, because we are here discussing about the medieval period. So in the medieval period, there were so many problems people faced due to the rigid caste system. And this rigid caste system find the solution by releasing new popular beliefs and religious debates. So what we will learn about here, क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग, रिलीजियस आइडियाज़ दैट डिवेलप ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड, कौन कौन से नए रिलीजियस आइडियाज़ डिवेलप हुए मिडिवल पीरियड के टाइम पे, फीचर्स ऑफ दीज मूवमेंट, इन जो मूवमेंट थी इनके फीचर्स क्या कहते थे, भक्ति एंड सूफी सेंट्स, भक्ति और सूफी सेंट्स कैसे थे, क्या थे, गुरु नानक एंड केस स्टडी अबाउट कबीर. सो हियर इज द इमेज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, विच कम्युनिटी ऑफ पीपल डू यू थिंक फ्रिक्वेंट दिस प्लेस, ऐसी कौन सी कम्युनिटी है जिसके लोग ज़्यादातर इस जगह पर जाते हैं. Where in India do you think this place is? ये place कहाँ पर है India के? Do you think that the people frequenting this place follow a caste system? क्या आपको लगता है कि यहाँ पर जाने वाले लोग caste system को follow करते हैं? Now, let us begin. The medieval period witnessed the emergence and blending of various cultures. Medieval period के time पे काफ़ी सारी blending हुई अलग अलग cultures की और नए emergence हुए, right? अब नए cultures कहाँ से आए? बिकॉज आपको पता है मुगल्स आए थे, बिकॉज वी विल बी हियरिंग अबाउट द मुगल्स, दिल्ली सल्तनत, राइट. सो वो कुछ अपने कल्चर्स लेकर, और साथ साथ में हम जो इंडिया में रहते थे हम लोगों ने अपने कल्चर्स, ये कल्चर जब मिक्स हुए तो उससे नया अमेलगेशन बना, राइट. सो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस कल्चर अमेलगेमेशन वॉज द राइज ऑफ मैनी न्यू रिलीजियस बिलीव्स एंड आइडियाज. तो सबसे जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस कल्चरल अमेलगेमेशन का, मतलब कल्चरल मिक्सिंग का, amalgamation मतलब मिक्सर, उससे नए नए रिलीजियस बिलीफ और आइडियाज़ का जन्म हुआ, राइट. द पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स. इस पीरियड में टू न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स आई, कौन कौन सी मूवमेंट थी, द भक्ति मूवमेंट एंड द सूफी मूवमेंट. एक भक्ति मूवमेंट थी और एक सूफी मूवमेंट थी. रिलीजियस थिंकर्स रीच्ड आउट टू द कॉमन मासेस एंड प्रीच सिंपलर वे टू कनेक्ट टू गॉड. जो रिलीजियस लीडर्स थे वो लोगों के पास जाते थे और उनको बहुत ही सरल से रास्ते बताए भगवान से जुड़ने के. एक्चुअली पहले के टाइम पे क्या होता था कि जो कव्वाली है, भजन है या फिर सत्संग है, ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं होती थी, लेकिन इसी टाइम पे ये सब कुछ शुरू हुआ था. ये माना जाता था कि अगर आप कव्वाली करते हैं, भजन करते हैं या फिर प्रेयर करते हैं तो उससे क्या होगा कि भगवान आपकी सुनेंगे, जैसे आप कनेक्ट हो जाएंगे भगवान से, राइट. सो दिस वॉज अ न्यू वे ऑफ कनेक्टिंग टू द गॉड. सो फर्स्ट इज भक्ति मूवमेंट. द वर्ड भक्ति मीन्स डिवोशन. भक्ति का मतलब क्या होता है, डिवोशन, डिवोटी होना, भक्त होना. दिस टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब द बॉन्ड. इस टर्म को हम यूज करते हैं बॉन्ड डिस्क्राइब करने के लिए, किस किस के बीच में, बिटवीन डिवोटी एंड गॉड, एक भक्त के बीच में और एक गॉड के बीच में. द डिवोटीज वर्शिप गॉड थ्रू सॉन्ग्स एंड मेडिटेशन. जो वर्शिप, जो डिवोटीज होते थे, जो भक्त होते थे या फिर जो वर्शिपर्स होते थे, वो वर्शिप करते थे किसके थ्रू, सॉन्ग्स के थ्रू, भजन गाते थे वो एंड मेडिटेट करते थे. मेडिटेशन का मतलब जानते हैं ना, मेडिटेशन करते थे, शांत बैठकर, ध्यान लगाकर, ध्यान को मेडिटेशन बोलते हैं. इन कंट्रास्ट टू द कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स ऑफ द एंशिएंट पीरियड, द भक्ति मूवमेंट फॉलोड अ सिंपल अप्रोच टू कनेक्ट टू गॉड. पहले के ज़माने में जो कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स थे उससे अलग हटके भक्ति मूवमेंट में एक सिंपल अप्रोच थी भगवान से कनेक्ट होने की. लाइक बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, द भक्ति मूवमेंट डिड नॉट बिलीव इन रिजिड कास्ट सिस्टम दैट सेग्रीगेटेड पीपल. जैसा हमें पता है बुद्धिज्म और जैनिज्म में कोई भी कास्ट सिस्टम नहीं था, वैसे ही भक्ति मूवमेंट के टाइम पे भी, जो भक्ति मूवमेंट थी उसमें भी किसी भी कास्ट सिस्टम को कोई भी जगह नहीं दी गई थी. द भक्ति मूवमेंट दैट इमर्ज ड्यूरिंग द मिडिवल पीरियड इन इंडिया ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया एंड स्प्रेड नॉर्थवर्ड्स फ्रॉम देयर. भक्ति मूवमेंट का जो जन्म हुआ वो कहाँ से हुआ, साउथ इंडिया से शुरुआत हुई एंड नॉर्थ वेस्ट साइड में भी उसका स्प्रेड हुआ. The spread and the popularity of the Bhakti movement can be credited to the Alwars and Nayanars that moved around from one place to another spreading the ideas of Bhakti.
जो पॉपुलैरिटी का श्रेय जाता है वो पूरा पूरा जाता है अलवर्स को और नयनर्स को। अभी अलवर्स और नयनर्स ठीक है, जो हर जगह 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 घूमे और भक्ति मूवमेंट को स्प्रेड किया, उसके बारे में अच्छी बातें बताई लोगों को। नाउ द नेक्स्ट इज अलवर्स एंड नयनर्स। बिटवीन द 17th सेंचुरी द अलवर्स एंड नयनर्स स्ट्रेंथन द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया। अलवर्स और नयनर्स ने भक्ति मूवमेंट को साउथ इंडिया में स्ट्रेंथन किया, मजबूत किया। द भक्ति मूवमेंट इन साउथ इंडिया द अलवर्स एंड नयनर्स प्रीच्ड इन तमिल एंड तेलुगु विच वर द लोकल लैंग्वेजेस एंड देयरफॉर इजली अंडरस्टूड बाय कॉमन पीपल। अलवर्स और नयनर्स जो कि साउथ इंडिया में रहते थे तमिल और तेलुगु बोला करते थे और उसी में ही प्रीच करते थे, जिससे कि लोगों को ईजिली समझ में आ जाता था कि क्या प्रीचिंग हो रही है। दे बिलोंग टू डिफरेंट कास्ट, वो अलग अलग कास्ट से बिलोंग करते थे। सम सेंट्स वर ब्राह्मण्स, कुछ जो सेंट्स थे जो संत थे वो ब्राह्मण्स थे। वाइल मैनी ऑल्सो केम फ्रॉम लोअर कास्ट, जबकि काफ़ी जो थे वो लोअर कास्ट से भी आए थे। मैनी सेंट्स वर कॉमन पीपल हु प्रीवियसली वर्कड एज फार्मर्स एंड आर्टिसंस। कुछ सेंट्स जो थे वो कॉमन पीपल भी थे, जो जिन्होंने पहले एज अ फार्मर या फिर आर्टिसन वर्क किया था। देर आर ऑल्सो मैनी वुमेन सेंट्स, काफ़ी सारी वुमेन सेंट्स भी थी, सच एज अलवर सेंट पोएट अंडल एंड नयनर सेंट करैक्कल अमैयर। ठीक, जैसे अलवर सेंट अंडल जो कि बहुत ही फेमस सेंट थी, वैसी नयनर सेंट थी करैक्कल अमैयर। अलवर सेंट वर द तमिल पोएट सेंट्स। अलवर सेंट जो थे वो जनरली तमिल बोलते थे साउथ इंडिया। दे वर वैष्णविटीज डिवोटीज ऑफ विष्णु, वो जनरली वैष्णविटीज थे जो कि लॉर्ड विष्णु के डिवोटी थे, लॉर्ड विष्णु की पूजा करते थे। द नयनर्स वर अ ग्रुप ऑफ 63 सेंट्स हु वर डिवोटेड टू हिंदू गॉड शिवा एंड वर नोन एज शाइवटीज शाइवाइट्स। राइट, जो नयनर्स थे वो कौन थे, वो डिवोटी थे लॉर्ड शिवा के। ठीक, द अलवर्स एंड नयनर्स सेंट्स रोम्ड फ्रॉम प्लेस टू अनदर सिंगिंग डिवोशन सॉन्ग इन प्रेज ऑफ गॉड। ये लोग जगह जगह घूमते थे और लोगों को सॉन्ग सुनाते थे और उनको गॉड की तरफ जाने का रास्ता बताते थे। अलवर्स नयनर्स, दे आर द डिफरेंसेज गिवन हियर, यू कैन रीड इट योरसेल्फ। भक्ति सेंट्स वर ऑल्सो डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सगुना एंड निर्गुना। भक्ति सेंट्स दो पार्ट्स में डिवाइडेड भी थे, सगुना और निर्गुना में। द फॉलोअर्स ऑफ सगुना बिलीव दैट गॉड हैड अ फॉर्म, वाइल निर्गुना फॉलोअर बिलीव दैट गॉड डिड नॉट एग्जिस्ट इन अ फॉर्म। जो सगुना के थे, जो मानते थे कि गुण है, सगुण है, ठीक, वो मानते थे कि भगवान की कोई ना कोई फॉर्म है, मतलब कोई ना कोई आकार है। वाइल जो निर्गुना थे, राइट, वो ये मानते थे कि भगवान की कोई फॉर्म नहीं है, वो क्या है, एक तरीके की एनर्जी है। क्लियर। सो भक्ति सेंट्स, एज मेंशनड अर्लियर, भक्ति सेंट्स केम फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। जैसे पहले बताया गया कि भक्ति सेंट्स सारे वॉक्स से आए थे, हर स्पेस से आए थे लाइफ के। देयर रोल इज सो सिग्निफिकेंट, इज सिग्निफिकेंट इन स्प्रेडिंग द मोशन ऑफ वन गॉड एंड दैट पीपल कुड कनेक्ट टू गॉड थ्रू ट्रू डिवोशन। उनका एक ही मैसेज होता था जो स्प्रेड करते रहते थे वो, कि भगवान सिर्फ एक ही है और उसको पाने का एक रास्ता है डिवोशन के थ्रू। द भक्ति सेंट्स ऑल्सो स्ट्रांगली एडवोकेटेड दैट द नीड फॉर टॉलरेंस अमंग ह्यूमंस एंड रिलीजियंस। भक्ति सेंट्स जो थे वो एडवोकेट करते थे स्ट्रांगली कि लोगों में टॉलरेंस होना चाहिए रिलीजियंस के प्रति। राइट, टॉलरेंस मतलब उनमें सहने की क्षमता होनी चाहिए, सहन शक्ति होनी चाहिए। सम इम्पॉर्टेंट भक्ति सेंट्स हैव बीन डिस्कस्ड इन द फॉलोइंग सेक्शन। कुछ इंपॉर्टेंट भक्ति सेंट्स को डिस्कस किया गया है। सो द फर्स्ट इज आदि शंकराचार्य। डू रीड इट योरसेल्फ, आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।